नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। दोस्तों, आज का ये पहली रजो के अवसर पर आप सबको बहुत सारा अभिनंदन। दोस्तों, ये रजो या पहली रजो ये क्या है शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि मैं देखा नहीं बाहर कि ये रजो को बाहर के लोग, उड़ीसा के अलावा बाहर के लोग को सेलिब्रेट करते हुए, लेकिन हमारे उड़ीसा वाले ये रजो को बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं हम। तो इसके बारे में अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं बता के आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूँ। तो आप लोग यूट्यूब पे हो या कहीं पे भी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो उसके बारे में और जान सकते हो। देखना भी चाहिए, जानना भी चाहिए। ये बहुत ही बड़ा धूमधाम, मतलब बहुत ही बड़ा त्यौहार है उड़ीसा का, तो जानना भी चाहिए किसी को भी। और उससे ज़्यादा भी आज और एक बड़ा दिन है, वो है दोस्तों स्नान पूर्णिमा। यानी कि आज प्रभु जगन्नाथ को नहला के, मतलब नहा धो के स्नान करके उनको आज हाथी वेश में सजाया जाएगा। तो इसीलिए आज घर में कुछ नॉनवेज तो होगा नहीं, तो इसीलिए सोच रहे थे घर में कि आज क्या बनाए। तो आप लोगों के लिए कुछ हमारा खाना भी हो जाए और आप लोगों के लिए वीडियो भी हो जाए। तो सोचते एक आइडिया एक दिमाग पे आया, तो आज चलिए देखते हैं कि आज हम घर में क्या बनाते हैं। आप लोगों को दिखाते बताऊँगा। तो उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ जो पापा बाहर किचन का घर बना रहे थे, आप लोग देख पा रहे होंगे, वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ चल रही, मतलब तैयारी चल रही है। पूछ के पता करते हैं क्या बना रहे हैं आज, किसको पूछेंगे। संजू को पूछेंगे। हाँ, तो आज ही कौन हो जी? खिचड़ी। तो आज खिचड़ी भात बना रहे हैं। खिचड़ी भात तो बोलते हैं हम, तो उसके लिए ये सब से कौन कौन पड़ी वो? डाली, आलू, आऊ छोला, आऊ कखरू, आऊ नोड़िया, आऊ डाली। ये डाली तो थोड़े कोई लोग दी थर पके दे ये डाली। तो दोस्तों, उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे ये पम्पकिन, आलू और ये देसी मूंग की दाल, और ये छोले पानी में भिगो के रखी है संजू, और ये नारियल छोटे छोटे टुकड़े में काट रही है बहू। ये सब डाल के बनाएंगे खिचड़ी भात। तो एथिरे खाली यही वाला सब पड़े ना, आउ कौन कौन पड़े? गाजर काकड़ भी पड़ो, ताले सब हरेक माल, मैं सब पनीपरिया पड़ पार। तो दोस्तों, इसमें हर तरह का जो सब्जियां होता है वो उसमें डाल सकते हैं। हम लोग घर में इसे पहले एक बार बनाए थे, आगुरु थोड़े बनाए थे, फूलों को भी पके दिले नहीं। हाँ। तो गोभी वगैरह यानी कि किसी भी सब्जियों को इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आज घर में और कुछ सब्जियां नहीं है, जो है उसी में बना रहे हैं। तो देखते हैं कैसा होता है खिचड़ी भात। अगर टेस्ट खराब आया तो संजू का गलती है, वो बना रही है। है तो बहू, यदि टेस्ट खराब हो समझो रो भूल हाँ। सी रांधू जी हाँ। तू कौन जीव की खाली खाई तो मसाला किसी ना ना टेस्ट खराब है ना। हाँ ठीक है। कौन हो जी? अदा रसुन। कौन एबे है योला दा? नौटा हबो। माने या परे मसाला देके छुका हबो। जल्दी तरकारी छुका हुए, डाली छुका हुए। ओके। तो इसके बाद फिर कुछ मसाले इसमें मिलाने वाली है संजू। थोड़ी पूरी जाएगी की
एबे हे वाला तो एबे एमती केत समय जा बसि रहबो चुल्ले उठियाना आबो अब हो गया है दोस्तों हमारा ये जो कौन खिचड़ी भात नहीं खिचड़ी भात अब हमारा कंप्लीट हो चुका है बन गया है। थोड़ा ठंडा होने के बाद खा लेंगे ठीक है। ठंडा हाल क्या है तो ना एमती गरम गरम खाई जाए ओके तो चलिए दोस्तों अब खाने के वक्त मिलते हैं। तो दोस्तों अब साई को खिला रहे हैं, चलिए देखते हैं आज साई के लिए क्या बना है। साई पे आज कौन तैयारी जी? मैगी। ये देखिए दोस्तों साई के लिए मैगी बनाई है संजू चुआ। साई साई ओना ओना चाहो ठीक है, हाई कर दे लो, हाई कर दे लो। उसको अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए कुछ भी नहीं बोल रहा है। और ठीक है हाई कर दियो। आप कौन खाऊ छुआ कौन खाऊ मैगी कौन खाऊ नहीं कुछ भी नहीं बोल रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है उसे इसीलिए। छुआ मत टिके दब छुआ मत दब नहीं माँ को टिके दब आओ दीदी की दीदी की दब कहा लिख दब नहीं किसी को भी नहीं देगा दोस्तों, अकेले खा लेगा बोल के बोल रहा है। हाँ मत खाली टिके दियो हाँ दे दियो हाँ ना ना मु खाबी नहीं आमर ना खिचड़ी भात होइ जामे खाइबा तमे खाइ दियो पानी दियो तक पानी दियो। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग भी खा लेते हैं। तो दोस्तों अब चलिए खिचड़ी भात तो खाते हैं, तो वही पहले थोड़ा मजा लेके खाएंगे फिर उसके बाद चैलेंज करेंगे ओके। जदि आगे पर पकड़ था आगे भले जाए। तो दोस्तों घर में जो था वही पंपकिन और आलू और छोले और नारियल बस इतना ही नहीं की तो डाली हाँ दाल बस इतने में हम बनाए हैं। अच्छा लग रहा है, अगर और भी सब्जियां डालते थे तो और भी ऐसा लगता था। नड़िया बेची नारियल थोड़ा ज्यादा डाल दिए इसमें। लगता है आज शाम में बारिश होने वाला है कुछ नहीं ओके अगर स्टार्ट करिए थोड़ा मजा लेके खाएंगे बोले तो संजू थोड़ा ज्यादा खा लें। तो चलिए अब चैलेंज शुरू करते हैं ओके स्टार्ट।
मोटा बेसी तुम खाई पार ना देखो बेसी ना तेजी हवा चलने लगा है दोस्तों, बारिश आ जाएगा शायद। जल्दी जल्दी खाने से मजा नहीं आ रहा है। मतलब खाने का टेस्ट जो मजा ले लेके खाने में है राजी को भी जो खा रहे हैं नोडिया हलवाई दो टाइम नहीं ऐसा एक्सचेंज कर दो तो मैं आलू खाई दिया मुंह नॉया खाई दी को नड़िया चुबिटे लड्डू जो नारियल चबाने के लिए लेट हो रहा है इसलिए नारियल मुझे देखे आलू ले लिया मजे उठलो का नहीं आलू तो मैं जीत गया दोस्तों आज संजू हार गई तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना अब मिलते हैं फिर एक नया वीडियो के साथ तब तक रहते हैं बाय बाय को ना